ईवी इंडस्ट्री को 837 करोड़ रुपए देने हैं एमएचआई को, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री को, और वही गवर्नमेंट की तरफ से ईवी इंडस्ट्री को लगभग 1500 करोड़ की सब्सिडी मिलने वाली थी। अब थी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको होल्ड करके रखा है। जब तक जो पेनल्टी जो रिफंड प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये जो सब्सिडी है इसको रिलीज नहीं किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। कंपनियों को टोटल 292.32 करोड़ रुपीस रिफंड करना है कस्टमर्स को। इसके अलावा 540 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई है सारी कंपनियों में। इसके अलावा जैसे हीरो इलेक्ट्रिक ओकिनावा, इसमें भी पेनल्टी लगी है क्योंकि उनकी जो प्राइस ऑलरेडी कम थी उसमें उन्होंने चार्जिंग का अलग से कॉस्ट नहीं लिया है, उनको रिफंड नहीं करना, बट उन सब में पेनल्टी लगी है क्योंकि इन सब लोगों ने एक गलत तरीके से फेम 2 सब्सिडी क्लेम किया था और इसी का मुनाफा सब लोगों ने उठाया। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने सबको एक विसिल ब्लोअर मेल किया है, सबके जितने भी सीए है सब लोग बैठ चुके हैं, कैसे क्या प्रोसेस चल रहा है और सबके रिफंड प्रोसेस हो रहे हैं, और जो पेनल्टी है वो भी गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया जा रहा है। ये सबसे अच्छी बात है कि सब लोग एग्री है इस चीज को करने के लिए। लेकिन इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है वो हुआ है जो अपकमिंग व्हीकल्स जो लॉन्च होने वाली थी वो सारे के सारे पोस्टपोन हो चुकी है, एंड जितनी भी गाड़ियां अभी के टाइम में यानी 2-3 महीने के अंदर लॉन्च होने वाली थी सारे के सारे जो प्रोडक्शन है सारे के सारे जो R&D से उनको थोड़ा सा रोक दिया गया है, कमिंग लॉन्चेस को पोस्टपोन कर दिया गया। अब मैं बताता हूँ कि कौन सी कंपनी रिफंड कर रही है। जैसे मैंने बताया 540 करोड़ रुपए तो टोटल पेनल्टी है, तो उसका तो रिफंड वाला सिस्टम नहीं है, सीधे पेनल्टी उनको गवर्नमेंट को देना है। बट जो 292.32 करोड़ रुपीज है वो रिफंड जो कर रही है कंपनियां वो कैसे कैसे कर रही है, और यहाँ पे एथर को एक एक्स्ट्रा पेनल्टी और लगी है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एथर कंपनी की। तो एथर कंपनी ने 140 करोड़ रुपए का रिफंड प्रोसेस करना है इनको, लगभग 95,000 कंज्यूमर्स को ये रिफंड करना है। इसके अलावा MHI ने 25 करोड़ की एक्स्ट्रा पेनल्टी और लगाई है एथर के ऊपर, क्योंकि वो रिड्यूस बैटरी कैपेसिटी के साथ गाड़ियां बेच रहे थे जिससे कंज्यूमर को फोर्स किया जा रहा था कि वो हायर जो सॉफ्टवेयर वाली गाड़ी है उसको परचेस करे, इस कारण से यहाँ और पेनल्टी लगी है एज पर ऑटो पोर्टल प्रोफेशनल की जो रिपोर्ट आई है। इसके अलावा TVS कंपनी ने 15.61 करोड़ रुपए रिफंड कर रही है 87,000 कंज्यूमर्स को। वही हीरो मोटोकॉर्प यानी कि हीरो की जो वीडा V1 है इन्होंने भी चार्जिंग की कॉस्ट ली है, हालांकि इनका जो रिफंड कॉस्ट है वो ज्यादा नहीं है, लगभग 2.23 करोड़ रुपीस, और ये जो रिफंड किया जा रहा है वो 1,100 कंज्यूमर्स को किया जा रहा है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी कंपनी यानी ओला इलेक्ट्रिक कंपनी जिनके सबसे ज्यादा सेल हो रही है अभी के टाइम पे गाड़ियां, जितने ज्यादा सेल होंगे जितनी ज्यादा रेवेन्यू होगी उतना ही ज्यादा इनका रिफंड भी है। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा रिफंड है वो ओला इलेक्ट्रिक का ही है, लगभग 130 करोड़ रुपए 1,00,000 कंज्यूमर को यहाँ पे इनको रिफंड करना है। एथर का रिफंड ज्यादा इसलिए है क्योंकि वहां पे 20 करोड़ की एक्स्ट्रा जो पेनल्टी लगी है उस कारण से इनका जो रिफंड है वो ज्यादा का कॉस्टिंग देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो पेनल्टी लगी है 540 करोड़ वो तो देना ही देना है जितनी भी कंपनियां जिन लोगों ने फेम टू सब्सिडी गलत तरीके से क्लेम किया है। आप लोगों का क्या राय है, ये सारे जो चीजें हो रही है फेम टू से रिलेटेड आपका क्या मानना है? मेरा तो यही मानना है कि एक कंज्यूमर के साथ गलत हुआ है उसका रिफंड मिलना चाहिए, प्रॉपर मिलना चाहिए, एक प्रोसेस के थ्रू मिलना चाहिए, और आगे से ऐसा कुछ ना हो तो ज्यादा अच्छा है। और यही एक कारण वर्ष है कि गाड़ियों के थोड़े दाम कम दिखने मिल रहे हैं लेकिन कुछ कंपनियों के दाम कम नहीं दिख रहे, वही प्राइस के अंदर ही सारी चीजें एड ऑन करती है और एक्स्ट्रा कॉस्टिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर अपडेट है उसका प्राइस अलग से चार्ज कर रहे हैं, मतलब चार्जर के जगह अब जो परफॉर्मेंस पैक होता ना उसका कॉस्ट ले रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है मार्केट में, बट उनको तो कैसे भी करके उनका जो सर्कल है वो कंप्लीट करना है तो वही चल रहा है। आई होप आपको ये वीडियो देखने में मजा आएगा, ये न्यूज़ सुनने में मजा आएगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अप्रिशिएट करूँगा अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया था। थैंक यू सो मच, बाय बाय।